बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, WK न्यूज़ की जानिब से प्रोग्राम चल रहा है जवाब दो इनाम लो। ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे लिफाफे मौजूद हैं। नाज़रीन, हम जिससे भी सवाल पूछेंगे अगर वो हमें जवाब सही देता है तो उसको ये लिफाफा दिया जाएगा। तो आइए ज़रा चलते हैं, लेकिन अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पर, 0333-288-5586। आइए ज़रा चलते हैं, सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? नासिर अली अकबर अस्त। नासिर भाई क्या करते? मैं यही काम करता हूँ भाई जो कर रहा हूँ। ठेलेगा? ठेला दिखा नासिर भाई का। ये डकावा क्यों उनको? ये धूप की वजह से बीमार हो जाएंगे ना यार। अच्छा नासिर भाई, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, हमारा प्रोग्राम चल रहा है जवाब दो इनाम लो। अगर आपने जवाब सही दिया तो बेशक आपको इनाम देंगे। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि अगर क्रिकेट के अंदर नो बॉल हो जाती है, नो बॉल हो जाती है और उस पर बोल्ड ले जाता है, तो वो आउट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, नो बॉल पे आउट नहीं होगा, बल्कि अगली बॉल जो है ना फ्री हिट मिलेगी, उस पर भले छक्का जेब दो। ये नया कानून? नए कानून है, पुराना थोड़ी है। सही बता रहा हूँ? अब बिल्कुल सही। क्या सही बता रही? सही बता रहा है। क्रिकेट खेलते जी? हम नहीं खेलते, ये खेलता रहा। आप कैसे कह रहे? हम टिटकर खेलते थे। सही बात है, डंडे वाला गुल्ली डंडा, ये पुरानी क्रिकेट है गुल्ली डंडा। अगर नो बॉल पर बोल्ड हो जाए तो वो बोल्ड नहीं होता, वो नो बॉल, बल्कि उस पर जो खिलाड़ी है वो आउट नहीं होता, अगली बॉल जो होती है वो बिल्कुल फ्री हिट होती है, ये कहना है नासिर भाई का। और मैं आपको ये बता दूंगा, नासिर भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी बुनियाद पर, इस जवाब पर नासिर भाई को ये मैं कैश इनाम दे रहा हूँ। हमें स्पॉन्सर किया जी फकीर जनरल स्टोर ने, तो नासिर भाई ये लीजिए। नासिर भाई कैसा लग रहा है? नहीं सही लग रहा। अच्छा मुझे बताएं, प्रोग्राम जारी रखें या ख़त्म कर दे? भाई प्रोग्राम तो सही है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाती है लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है WK न्यूज़ की जानिब से कि जवाब दो इनाम लो। ये मैं रात में लिफाफे देख रहे हैं, उसमें कैश इनाम है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने जवाब सही दिया तो ये एक लिफाफा आपको दूंगा। कौन सा सवाल पूछ लें? हाँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा जो शहीद हुई कौन सा साल था? 2007 में। कंफर्म? तो चलो हाँ। ये ऑप्शन दो, कंफर्म बता रहे? हाँ कंफर्म। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई कह रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो 2007 में शहीद हुई हैं। दो हजार सात में शहीद हुई हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल जवाब सही दिया है। हम इनको जरूर ये लिफाफा देंगे जिसमें कैश इनाम है, और ये लिफाफा जो हमें स्पॉन्सर किया है, इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर किया है, सवाल को जो स्पॉन्सर किया है, उसका नाम है जीए फकीर जनरल स्टोर। ये लीजिए सही शकील भाई, बड़ी लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ यार, हमारा जो चैनल है WK न्यूज़, उस पर जो ना हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इसको जारी रखें या बंद कर दें? पहले जारी जारी कर सकते हैं। पक्का? आपकी दुआएं साथ हैं। अमोला आबाद। क्या नाम है? चले जी विश्रम भाई, मुझे बताएं कि कितना अरसे काम कर रहे हैं? मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। एक कितना टाइम हो गया वैसे? 25 साल, 30 साल, 40 साल? तकरीबन 25-30 साल हो गए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने जवाब सही दिया तो मैं जो ना ये आपको ऐसे लिफाफा, इसमें कैश इनाम है, ठीक है सही? अच्छा पूछिए। अच्छा मुझे बताएं कि टंडो आजम के जो इस वक्त बल्दिया के चेयरमैन है, उसका नाम बताए? मुर्तजा। पूरा नाम बताए? मुर्तजा चुने जो। पक्का? डाला ये तो नहीं है तो वो इतना हम आपने गरीब आपने मजे ऐसे क्या कहते हैं आप? हाँ किसका नाम? तो मुर्तजा जोने जो का ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लाला अयूब नहीं है बल्कि चाचा मुर्तजा जोने साहब इस वक्त जो है बल्दिया के चेयरमैन है, जो कि जवाब बिल्कुल इन्होंने जो दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। चाचा थोड़ा घबरा भी रहे हैं क्योंकि
ये कहते हैं कि या ना मैं यार पता नहीं, मुझे तो सही तरह याद भी नहीं है कि कौन है, लेकिन चाचा मुर्तजा का नाम लिया। बहरहाल ये जो जीए फकीर जनरल स्टोर की जानिब से ये इनको दिया जा रहा है, इसमें कैश नाम है। चाचा ये लीजिए, उधर देख लें, थोड़ा उधर देख लें, कैसा लग रहा है? नसीब की बात है, अच्छा ही लगेगा। अच्छा मैं एक थैले की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मिट्टी के खिलौने हैं, गल्लक वगैरह हैं और दीगर सामान है। इस अजीब व गरीब दौर के अंदर मिट्टी की चीज़ें जो बनी हुई वो भी मैं दिखाऊंगा और उनसे सवाल भी पूछूंगा, और अगर जवाब सही दिया तो ज़रूर इनको ये नाम भी दूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा ठेला ये। वाह यार ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे नाम बताएं। शौकत अली। शौकत भाई क्या बेच रहे हैं यार? ये मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। तो बिकते हैं वैसे वक्त लेने आते हैं लोग? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो गुजारा हो जाता है। महंगाई चल रही है यार, सही है काम। शुक्र है मालिक का, हलाल रोजी, हलाल रोजी है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह रोजी दे रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। मतलब इसमें इतना मिल जाता है कि बच्चों का गुजारा हो जाता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। इतनी महंगाई में? शुक्र है मालिक का, इतनी महंगाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपको नात पढ़नी आती थी? अल्हम्दुलिल्लाह आती। पक्का नहीं? बिल्कुल। चलें यार आज शौकत भाई से इतना खूबसूरत है क्या सवाल पूछूं, अगर ये नात पढ़ते हैं वो ज़ाहिर है यकीनन नात तो आवाज़ कैसी भी हो अच्छी ही होती है, अच्छी ही लगती है हर मुसलमान को। चलें नात सुनते हैं शौकत भाई। शौकत भाई दो चार अशार जो है नात के सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों मैं बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों मैं बुलाएंगे, करम की जब नजर होगे मदीने हम बेचाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर देद के काबिल, कसम अल्लाह की होगा वो मंजर देद के काबिल, कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, कयामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे, बड़े उम्मीद
है सरकार कदमों में बुलाएंगे, गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे, गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे। शफीए हशर में दामान रहमत में चुपाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, कयामत तक न जगाएंगे फिर मुनकर नकीर उसको, कयामत तक न जगाएंगे फिर मुनकर नकीर उसको, लहत में वो जिसे अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आवाज़, दिल को लुभाने वाली, जो भी ये सुनेगा उसका दिल बाग बाग बल्कि बागे मदीना हो जाएगा। बहुत खुशी हुई मेरे को, मेरा दिल चाह रहा है कि ये मेरे पास दो लिफाफे हैं, ये दोनों के दोनों जो है इनको दे दूं, लेकिन मैं बता दूं कि ये किस किस की तरफ से है। ये पहला लिफाफा जो है यूसुफ टेलर की जानिब से, टंडो आजम के ये इनकी शॉप है यूसुफ टेलर के नाम से, तो ये लिफाफा मैं इनको दे रहा हूँ पहले। और दूसरा लिफाफा जो है ये बाबा ग्राफिक्स के नाम से, ये लिफाफा भी मैं इन्हीं को दे रहा हूँ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, बहुत दिल खुश हुआ है, ना सिर्फ मेरा दिल खुश हुआ है बल्कि जितने भी इधर यहाँ के लोग खड़े हुए उन तमाम का दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। बहुत ही प्यारी नाद और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, ये बाबा ग्राफिक्स की तरफ से भी इनको ये लिफाफा जो है इन्हीं को दिया जा रहा है। संजय मेहरबानी, खुश हो, दुआ। अच्छा इसी के जी बड़ी खुश, कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं, आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जिन्होंने ये दिया है उनको भी मालिक जो है परेशानियां दूर करे और रोजी में बरकत दे, अल्लाह ताला सबको प्रोग्राम जारी रखे या खत्म कर दे? प्रोग्राम जारी रखे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ जो है अगर आप जो है इसमें इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जवाब दो, इनाम लो, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा 0333-288-5586। आप किसी भी कारोबार की हिसाब से स्पॉन्सर हमें कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।